अंतिम दौर में है तैयारी, और आज शाम तक सब फुल एंड फाइनल हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद छठ व्रती जो आएंगे उनको कोई असुविधा नहीं होगी, इसके लिए हम लोग कर देते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है और आज नहा खाए है। साथ ही साथ पटना के डीएम ने सभी छठ घाटों का निरीक्षण भी किया है। तैयारियों को लेकर पटना के डीएम जो है वो एलसीटी घाट से लेकर कुर्जी घाट, दीघा घाट, जेपी सेतु घाट समेत कई घाटों का निरीक्षण किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर में वृद्धि हुआ था और धीरे धीरे घट रही है, तो इसको लेकर प्रशासन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण थी। इसी को लेकर लगातार जो पटना के डीएम है और जिला पदाधिकारी है वो निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ कई दिशा निर्देश दिए हैं, और घाटों की जो तैयारी है वो अंतिम रूप देने में लोग लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से पानी को के बीचों बीच जो है वो बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ लाल कपड़े से घेर भी दिए गए हैं ताकि इधर लोग न जाएं, इधर डुबाव पानी है। सभी घाटों पे लाइटिंग और वॉच टावर सीसीटीवी कैमरे की भी तैनाती की गई लगाई जा रही है, और वॉच टावर लगाया जा रहा है ताकि जो भी छठ व्रती आए उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, और वॉच टावर से जो पुलिसकर्मी रहेंगे वो लगातार अपने माइक के द्वारा निगरानी करते रहेंगे, लोगों को निर्देश देते रहेंगे। आपको बताते चले कि पटना के जो डीएम है उन्होंने कई दिशा निर्देश दिया है। आइए सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं कि पटना के डीएम क्या कुछ कर रहे हैं। अभी घाट जो है लगातार निर्माण कार्य चल रहा है, पानी चूंकि बहुत देर से निकला और समय थोड़ा कम मिला बस तैयार करने के लिए, लेकिन तैयारी हम लोगों की ऑलमोस्ट पूरी है। जब पानी थोड़ा सा और निकल रहा है तो उसके हिसाब से बैरिकेटिंग को एडजस्ट करना, और अप्रोच रोड में एक दो घाट पर थोड़ा नीचे से सीलन आ रही है तो उसको एड्रेस करना, यही सब काम चल रहा है। दूसरा पार्किंग कहाँ कहाँ हम लोग कहाँ तक गाड़ी अलाउ करेंगे उसको चिन्हित कर रहे हैं, तो अंतिम दौर में है तैयारी, और आज शाम तक सब फुल एंड फाइनल हम लोग कर लेंगे, और उसके बाद छठ व्रती जो आएंगे उनको कोई असुविधा नहीं होगी, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। 17 घाटों के अलावा और कोई घाट तो खतरनाक नहीं ना? नहीं, अभी तक जितने घाट हैं 16-17 घाट वही खतरनाक घोषित किए गए हैं, उसको बंद कर दिया गया है, और उसके बदले ये जो जेपी सेतु है दीघा सेतु, इसके दोनों तरफ पूर्व तरफ 3-4 घाट हैं, पश्चिम तरफ भी 3-4 घाट हैं जो बहुत बड़े बड़े निकले हैं, और यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है। तो जो कलेक्ट्रेट घाट, महेंद्रू घाट या बांस घाट में जो लोग जाते थे वो लोग यहाँ आ सकते हैं, उनको हम लोग आपके माध्यम से सूचित कर रहे हैं, यहाँ बहुत बड़े घाट निकले हैं, इधर आकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। अपील करेंगे अगर छठ व्रतियों से क्या? नहीं, छठ व्रती से यही है कि जहाँ संभव है अपने आस पास वहाँ करें, और पार्क में, पोखर में या घर के छतों पर भी हो रहा है, अपार्टमेंट के छतों पर हो रहा है, तो यथासंभव घर में अगर संभव है तो वहाँ करें, और जिन लोगों के यहाँ सुविधा नहीं है वो ज़रूर घाटों पर आएँ। हम लोग पूरी तैयारी किए हुए हैं और घाट पर कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद कोशिश ये करें कि जो दिशा निर्देश हैं प्रशासन का उसका पालन करें, छोटे बच्चे और बूढ़े लोग और जो बीमार लोग हैं उनको घाटों पर नहीं ले आएँ, उनको असुविधा हो सकती है, और विशेष परिस्थिति में अगर बच्चों को लाना पड़ता है तो उनके पॉकेट में मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस लिख करके ज़रूर डाल दें, और बाकी यहाँ नियंत्रण कक्ष प्रशासन का है जो गाइड करेगा और सहयोग करेगा आप लोगों का, दिशा निर्देशों का पालन करें और अच्छे से छठ मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। नाव परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा, सिर्फ प्रशासन की नाव जिस पर गोताखोर रहेंगे या NDRF SDRF के लोग रहेंगे उन्हीं नावों का परिचालन होगा। ठीक, सुरक्षा को लेकर क्यों सर? 599 मजिस्ट्रेट लगे हैं, लगभग 4700 पुलिस के जवान लगे हैं, जिसमें से कि 3500 विधि व्यवस्था में और 1200 जवान जो हैं वो ट्रैफिक में प्रबंधन में यातायात प्रबंधन में लगे हैं, तो बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं, और सभी घाट पर हमारा कंट्रोल रूम भी रहेगा जिसमें मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी रहेंगे, माइक सिस्टम भी रहेगा, वहाँ से एड्रेस करेंगे लोगों को, तो इंतजाम हम लोग सुरक्षा के सारे किए हैं। NDRF की लगभग 8 टीम है जिसमें 400 जवान हैं, इसी प्रकार हम लोगों का लगभग 5 टीम SDRF की है जिसमें 250 जवान हैं, तो कुल मिला करके हम लोग नदी गश्ती की भी व्यवस्था है, नदी में भी और बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। सीसीटीवी सभी घाटों पर लगाया गया है, उसी कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सुना कि पटना के डीएम ने साफ तौर पे कहा है कि तैयारी जो है वो जोरों से चल रही है, और सभी घाटों पे गाड़ी आने जाने की और पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है, और डीएम खुद घूम घूम कर सभी घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। हम लोग कहीं देखते रहिए NBC 24।